तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TBI कॉर्न इस कंपनी के IPO के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस IPO में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग इन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में और कंपनी मेनली कॉर्न के रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करने का कामकाज करती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सबसे पहले दिखा देता हूं ताकि यार कंपनी के बारे में बिजनेस के बारे में समझना आसान हो जाए। तो यहां पर आप लोग देखोगे तो ये एक नॉर्मल कॉर्न का जो बीन होता है वो यहां पर है, उसके बाद उसको पीस के अलग अलग प्रकार के ग्रेड्स में यहां पर बांटा जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स यहां पर बांटी जाती है और बनाई जाती है, ठीक है। लास्ट में यहां पर से पीस के जो कॉर्न का आटा होता है वो यहां पर से बनाया जाता है और उसको भी बेचा जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स है कॉर्न रिलेटेड जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते करके इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी बेचती हुई नजर आ जाती है। बाकी ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है और कंपनी का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। बाकी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो दुबई, ओमान, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, वियतनाम जैसी कंट्रीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स कंपनी एक्सपोर्ट करती है। बाकी ये कंपनी के साथ 48 डेडिकेटेड एम्प्लॉइज देखने को मिल जाते हैं जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी इस कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कुछ कंपटीटिव स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो सारी अमाउंट्स वो लैक्स के अंदर है। 2021-22 और 23 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो ऑलमोस्ट 4,255 लाख रुपए से 12,162 लाख रुपए पर आ चुके हैं। कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 6,776 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 14,042 लाख रुपए पर आ चुके हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 23-24 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 690 लाख रुपए के आसपास आ चुके हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स में 2,729 लाख रुपए अवेलेबल है और कर्जा कंपनी के ऊपर 5,147 लाख रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी ये कंपनी IPO क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले यह कंपनी एक्सपांशन अपना जो यूनिट का एक्सपांशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक्सपांशन के लिए पैसा उठा रही है। उसके साथ साथ इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसों की जरूरत है कंपनी को और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी IPO लेकर आना चाहती है। IPO की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का IPO 31 मई से लेकर 4 जून तक चलता हुआ नजर आएगा। एक लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे, 90 रुपये से लेकर 94 रुपये का प्राइस बैंड देखने को मिलता है। टोटल जो इशू साइज है वो 44.94 करोड़ रुपीज़ का है जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू है। NSE/SME के ऊपर कंपनी लिस्ट होगी। कंपनी के प्रमोटर्स का नाम आप लोग देख सकते हो। बाकी इस IPO में रिटेल गुटा है वो 35% का है। IPO के टाइम टेबल की बात करें 31 मई से लेकर 4 जून तक IPO चलेगा। 5 जून को अलॉटमेंट डेट है, 6 जून को इनिशियल रिफंड डेट एंड डिमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 7 जून को ये कंपनी सुबह 10 बजे शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के IPO में एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे और 1,12,800 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास IPO आने के पहले 76.65% की हिस्सेदारी थी, IPO आने के बाद 57.71% की हिस्सेदारी रहने वाली है। बाकी इस कंपनी के IPO में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप 170 करोड़ रुपीज़ के करीब रखा गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पर 18 के आसपास रखा गया है। ओवरऑल ग्रोथ रेट अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है, ओवरऑल जो वैल्यूएशन है कंपनी के IPO की ठीक रखी गई है। बाकी इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम 95 रुपये पर ट्रेड हो रहे हैं और लिस्टिंग गेन 101% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। इस कंपनी के IPO में लिस्टिंग गेन पर्पज के लिए अप्लाई किया जा सकता है, पर एक चीज़ याद रखना, 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं और उसका इंपैक्ट डायरेक्टली इस कंपनी के या और भी बहुत सारे ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर पड़ेगा, सभी IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो यार इसको आप लोग जरूर से ट्रैक करना। बाकी यार मैं आपको 4 जून को सुबह 9 बजे अपना फाइनल डिसीजन वाला वीडियो लाकर दे दूंगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि यार इस IPO में अप्लाई करना है कि नहीं। बाकी यार मेरी बात करो तो मैं तो इस कंपनी के IPO में लिस्टिंग एंड पर्पज के लिए अप्लाई करने में बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। तो ये था हमारा ओपिनियन इस कंपनी के IPO को लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड बाय।